हेलो बच्चों, हम लोग आज बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन के थर्ड लॉ की। और शुरू करते हैं यार आज की कहानी न्यूटन्स थर्ड लॉ से। तो न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ तो मैंने आपको बता दिया है, आज न्यूटन्स का थर्ड लॉ देखते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट और सेकंड तो आपको समझ में आ गया है ना। फर्स्ट लॉ अपना क्या बोलता था? फर्स्ट लॉ बोलता था जब बॉडी पे नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, तब बॉडी पे नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। फर्स्ट लॉ यही तो बोलता है कि जो भी मोशन हो रहा है वही होता रहेगा अगर नेट फोर्स जीरो है। सेकंड लॉ हमसे क्या बोल रहा था? सेकंड लॉ हमसे बोल रहा था जो भी नेट फोर्स बॉडी पे लगती है दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। जो भी नेट फोर्स लगती है दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। थर्ड लॉ बच्चों हमसे क्या बोलता है? तो वो स्टेटमेंट तो सबने सुना ही होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये तो सुन रखा होगा, ठीक है, मैंने माना, चलो। पर यार ये सही डेफिनेशन नहीं है, मतलब सिर्फ यही एक बात नहीं है। जैसे आप बोलते हो मैंने जाके उसको एक थप्पड़ मारा, उसने भी आके मुझको एक थप्पड़ मारा, ये हो गया एक्शन रिएक्शन। ये बड़ी बेवकूफी तरह की बात है, ऐसे नहीं बोलते एक्शन रिएक्शन। देखो जब टाइम तुमने थप्पड़ मारा ना, उस टाइम जो तुम्हारे हाथ ने उसके चीक्स पे फोर्स लगाई और उसके चीक्स ने पलट के तुम्हारे हाथ पे फोर्स लगाई, वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। थर्ड लॉ हम ये भी बोल सकते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो फर्स्ट लॉ ने हमको बताया कि नेट फोर्स जीरो होती है तब क्या, सेकंड लॉ ने बताया जो नेट फोर्स होती है वो मोमेंटम से कैसे रिलेटेड है, और थर्ड लॉ ये बात कर रहा है कि जो फोर्स है वो जब किसी बॉडी पे लगती है तो पलट के एक दूसरी फोर्स भी लगती है, इसीलिए फोर्स को हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। आइए समझते हैं, और इसमें आप लोग जो एक मिसकंसेप्शन बना के बैठे हैं उसको भी सही करते हैं। मान लीजिए यहां पे हमारा एक सरफेस है और यहां कोई मास m रखा हुआ है, इस मास m पे नीचे की तरफ फोर्स लगी mg और ये सरफेस इसके ऊपर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये रेस्ट पे है, अगर ये रुका हुआ है, तो आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, mg। तो नॉर्मल रिएक्शन और mg क्या है, इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? माई क्वेश्चन इज n और mg क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है, हाँ या ना? क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? ये इक्वल है, बिल्कुल सही, अपोजिट भी है, बट बच्चों ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, ये ऐसे ही नहीं कि तुमने बोल दिया इक्वल अपोजिट से, इसके कुछ नियम है। क्या नियम है आप समझाते हैं? तो इसीलिए कह रहा हूं कि यार बहुत आसान होता है 9th क्लास में आसानी से पढ़ लेना कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। 11th में पहुंचते पहुंचते असलियत समझ में आती है हर बात की कि कितनी अंदर बात जा रही थी। तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। यहां पे देखो mg भी मास m पे लग रहा, नॉर्मल रिएक्शन भी मास m पे। अगर मैं इसका FBD बनाऊं तो mg भी इसी पे लग रहा और नॉर्मल रिएक्शन भी इसी पे लग रहा, तो ये तो सेम बॉडी पे हो गया, तो ये एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर के होने चाहिए। यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों सेम नेचर के नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन का पेयर नॉर्मल रिएक्शन ही बनाएगा, ग्रेविटेशनल का पेयर ग्रेविटेशनल ही बनाएगा, टेंशन का पेयर टेंशन ही बनाएगा, स्प्रिंग फोर्स का पेयर स्प्रिंग फोर्स ही बनाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनाएगा। ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर है दे शुड बी ऑफ सेम नेचर ऑल्सो, तो ये दोनों हमारे एक्शन रिएक्शन कहीं से नहीं हो सकते भाई, हो ही नहीं सकते। तीसरी बात, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो ये तो बहुत जनरल सी बात है, कोई भी फोर्स होती है हमेशा वो पेयर में एग्जिस्ट करती है, कोई भी फोर्स, तुम अभी तक जितनी फोर्स पढ़े हो सब की सब पेयर में होती है। कैसे होती है सब आप बताओ, mg का एक्शन रिएक्शन पेयर कहां है, नॉर्मल रिएक्शन का एक्शन रिएक्शन पेयर कहां है? आओ देखो समझाते हैं इसमें हम आपको। ये mg मास m पे कौन लगा रहा, अर्थ, अर्थ लगा रही,
अर्थ मास m को mg फोर्स से अपनी तरफ खींच रही, तो मास m अर्थ को भी mg फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा। नाउ दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर। मास m को अर्थ ने खींचा, अर्थ को मास m ने। जैसे ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ने ब्लॉक पे लगाया, सरफेस ने ब्लॉक लगाया, ऑन द ब्लॉक बाई सरफेस। इसी तरह से ब्लॉक सरफेस पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, किस पे लगाएगा? सरफेस पे। नॉर्मल रिएक्शन ऑन सरफेस बाय ब्लॉक। नाउ दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। बट साथ में याद रखें, एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी, आर ऑफ सिमिलर नेचर एंड फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो ये न्यूटन ने कहा था, बड़ा ही जेन्युइन सी बात बोली थी, सिंपल सी बात बोली थी, उसको आप समझ रहे हैं। तो आप ये समझ गए कि एक्शन रिएक्शन मतलब सिर्फ ये नहीं, इक्वल अपोजिट, डिफरेंट बॉडीज पे लगे, सिमिलर नेचर का हो और फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स की बात याद है। तो इसमें मैं जो एग्जांपल आपको देना चाहूंगा सबसे पहले एक्शन रिएक्शन पे, वो मान लो यहाँ पे हमारे पास एक बंदर है। तो बंदर वाले न्यूमेरिकल आपने देखे होंगे अब तक, एच सी वर्मा में बने हुए हैं, ठीक है। और ये बंदर की यहाँ पे पूछ है ना, बंदर की पूछ। और ये बंदर मान लो स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है, स्ट्रिंग को किधर खींच रहा है? नीचे। तो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मंकी नीचे खींच रहा फोर्स एफ से। कौन खींच रहा? मंकी। अब स्ट्रिंग मंकी को ऊपर खींचेगी उतनी ही फोर्स एफ से। जब आप स्ट्रिंग को नीचे खींचते हो तो स्ट्रिंग आपको ऊपर खींचती है, जब आप स्ट्रिंग पे चढ़ते हो ना ऊपर की तरफ, तो आप स्ट्रिंग को नीचे खींचते हुए ऊपर जाते हो, तो स्ट्रिंग को नीचे खींचते हो स्ट्रिंग आपको ऊपर। तो ये फोर्स किस पे लगी? रोप पे। अगर हम मंकी की बात करें तो स्ट्रिंग ने मंकी को ऊपर खींचा फोर्स एफ से। नाउ दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर। मंकी ने इसको खींचा, ये क्या हो गया हमारा? एक्शन ऑन रोप। रोप ने मंकी को खींचा, ये क्या हो गया हमारा? रिएक्शन ऑन मंकी, ठीक है। तो बड़ी नॉर्मल सी बात थी। अब इसमें न्यूमेरिकल क्या मिलते हैं हमको, देखो जो इसमें न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इस पे क्या पूछता है? इसमें मान लो हमको एक न्यूमेरिकल दे दिया कि भाई साहब ये है, ये हमारा बंदर है, ठीक है, और ठीक ये इसकी टेल है, ठीक है, और ये बंदर इस स्ट्रिंग पे ऊपर चल रहा है। मान लो इस बंदर का हमें मास दे दिया है, इसका मास है मान लो 20 kg, ठीक है, और जी की वैल्यू दे रखी है 10 m/s², और हमको बोला ये बंदर इस स्ट्रिंग पे ऊपर चल रहा विद एन एस्केलेशन ऑफ 2 m/s². हमसे पूछा टेंशन इन स्ट्रिंग बताइए, टेंशन इन स्ट्रिंग। भाई जब आप इसको खींच के ऊपर जाओगे तो स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ टेंशन आ जाएगा, तो वही टेंशन हमसे पूछा। आइए निकालते हैं, बंदर का एक वीडियो बनाते हैं भाई साहब। बंदर के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स बोलो mg, ऊपर की तरफ स्ट्रिंग इसे खींचेगा फोर्स एफ से, क्योंकि इसने स्ट्रिंग को फोर्स एफ से खींचा है। इसने स्ट्रिंग को नीचे खींचा फोर्स एफ से, तो स्ट्रिंग ने इसको ऊपर खींचा फोर्स एफ से, और इसी को हम टेंशन फोर्स बोल सकते हैं। बाई स्ट्रिंग जिस फोर्स से इसको ऊपर खींच रही है वो कौन सी फोर्स है? स्ट्रिंग की टेंशन। जितनी फोर्स स्ट्रिंग को नीचे खींचोगे उतनी ही उसमें टेंशन पैदा होगी, जितना तुम स्ट्रिंग को इधर खींचोगे उतना ही उधर टेंशन आएगा। मोशन किधर है? ऊपर की तरफ। एस्केलेशन कितना है? ए। तो मोशन किस तरफ हो रहा है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की फोर्स हमारी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव, नीचे की फोर्स नेगेटिव। अब न्यूटन सेकेंड लॉ हमसे कहता था एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एस्केलेशन, कहीं ना कहीं ये भी तो बोलता था एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एस्केलेशन। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ऊपर की तरफ टी, नीचे की तरफ एम जी, तो नीचे वाली माइनस में, ऊपर की तरफ टी प्लस में, नीचे की तरफ एम जी माइनस में। ऊपर प्लस में क्यों लिया? क्योंकि एस्केलेशन ऊपर है, बॉडी ऊपर जा रही है। इज इक्वल्स टू एम इनटू ए, यहां से टी इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20, जी की वैल्यू 10, एम की वैल्यू 20, ए की वैल्यू 2, ये कितना हो गया? 200 + 40 कितना हो गया? 240 newton। सो द टेंशन इन द स्ट्रिंग, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 240 newton। अब इसी सवाल में कई बार बोल देता है जो हमारा स्ट्रिंग का ब्रेकिंग फोर्स था या ब्रेकिंग पॉइंट था, ऐसे बोलता है, ठीक है। मान लो बोलते वो 150 newton है ना, कितना है? 150 newton। बोल रहा है कि स्ट्रिंग 150 newton से ज्यादा वजन नहीं झेल सकता, तो स्ट्रिंग टूट जाएगा। पूछेगा सवाल में क्या इस सवाल में स्ट्रिंग टूटेगा कि नहीं टूटेगा, आप बोलोगे टूट जाएगा। चलो दिखाता हूं दूसरा सवाल इसी पे। जैसे मान लो, ठीक है, सिर्फ का सवाल ले लेते हैं अपन, बंदर वाला। मान लो फिर से यहाँ पे एक बंदर को लटका दूंगा, बंदर प्यारे,
और ये बंदर मान लो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर यहाँ पे भाई साहब केले हैं, ठीक है, बनना है थे, इसके लिए ऊपर जाना चाह रहा है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग जो है ये ब्रेक कर जाएगी एट अ टेंशन ऑफ 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन पे ब्रेक करेगी। बंदर का जो मास है वो है 80 kg, कितना है 80 kg, जी की वैल्यू है 10 m/s। अच्छा, बंदर बनाना प्लेन है, तेजी से जाएगा कि धीमे धीमे, है ना, अपन को भी लालच आ रहा है बनना, चल चल चल, तो बंदर भी कैसे जाएगा भाई, तेजी तेजी जाएगा, आराम से जाएगा, तो इधर से आके कोई और दूसरा बंदर खा जाएगा इसको, है ना, सबकी नजर लगी रहती है, केले बहुत कम होते हैं फिर में, तो ये बहुत तेजी से ऊपर जाना चाहेगा। तो पूछा है विथ व्हाट मैक्सिमम एस्केलेरेशन द मंकी कैन सेफली क्लाइंब अप द रोप, सेफली, ऐसा नहीं कि तोड़ गया रोप चला गया, सेफली जाना है, ठीक है। तो आप बंदर का एक वीडियो बनाओ, नीचे की तरफ बोलो इसके ऊपर फोर्स mg, स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा, स्ट्रिंग इसे ऊपर खींचेगी विद टेंशन टी, यही टेंशन टी इसको ऊपर ले जा रही, इसने ऐसे खींचा, टेंशन ऊपर की तरफ, एस्केलेरेशन किधर चाहते हो, ऊपर, तो एस्केलेरेशन ऊपर चाहते हो तो ऊपर की फोर्स कैसी होगी, पॉजिटिव, नीचे की फोर्स नेगेटिव, इक्वेशन क्या बनेगी, टी पॉजिटिव में माइनस एम जी, जा किधर रहे हो, ऊपर इज इक्वल टू एम, देखो ऊपर जा रहे थे इसलिए टी को पॉजिटिव लिया, नीचे आ रहे होते तो एम जी को पॉजिटिव लेते, जिधर एस्केलेरेशन है उधर की फोर्स को पॉजिटिव ले लो। यहां से अपन टी की वैल्यू इज इक्वल्स टू, नहीं जरूरत नहीं है ना, टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। अब ब्रेकिंग टेंशन 1000, तो मैक्सिमम टेंशन जितना ले सकता है वो ले लेगा, वो सोचेगा जितना टेंशन हो सकता है हो जाए पर हम जल्दी पहुंच जाए, तो यहां पे 1000 की वैल्यू रख दे, माइनस एम कितना है 80 इंटू जी कितना है 10 इज इक्वल्स टू 80 इंटू ए, तो 1000 माइनस 800 कितना हो गया 200 इज इक्वल्स टू 88, 00 मर गया, ए इज इक्वल्स टू 20/8 कितना हो गया 4520 428 कितना 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जिससे मंकी ऊपर चल सकता है, इससे ज्यादा तेजी से चढ़ेगा तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, है ना, और बनाना आके कोई और ले जाएगा, है ना, है ना, तो एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन है, इससे ज्यादा, इससे कम हो सकता है, इससे कम अगर लेगा एक्सेलरेशन, सोचो एक्सेलरेशन इससे कम हुआ, इससे कम हुआ तो टेंशन इससे कम आएगी, ये तो मैक्सिमम टेंशन है, ब्रेकिंग टेंशन मतलब मैक्सिमम, इससे ना नहीं चल सकता मैक्सिमम टेंशन, तो जब से मैक्सिमम टेंशन बोले तो उसी को रख के एस्केलेरेशन निकाल दो, ठीक है। तो ये बंदर वाले सवाल आपको अच्छी फॉर्म में मिल जाएंगे इस तरह के, अगर आप देखोगे तो यार एक्शन रिएक्शन पेयर में इसी तरह के सवाल होते हैं, जैसे मान लो ये बड़ा किसका फेमस क्वेश्चन होता है, वेइंग मशीन वाला, ठीक है, वेइंग मशीन, ये बड़ा ही फेमस कांसेप्ट है वेइंग मशीन का, व्हाट इज योर वेट, हाउ यू मेजर योर वेट, देखो वेट वेइंग मशीन कैसे मेजर करता है, नॉर्मल रिएक्शन से, कैसे मेजर करता है, नॉर्मल रिएक्शन, जैसे मान लो यहाँ वेइंग मशीन है, बना रहा मैं, मान लो ये प्लेटफॉर्म जो है यही वेइंग मशीन है, ये बंदा इस पे खड़ा है, है ना, अब इसका वेट लेते हैं, अब इस बंदे ने के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगी mg, सरफेस ने इसके ऊपर लगाया नॉर्मल रिएक्शन, और इसने सरफेस पे लगाया नॉर्मल रिएक्शन, मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बंदे को नीचे अर्थ ने खींचा mg से, बहुत बढ़िया, सरफेस ने इसके ऊपर लगाया नॉर्मल रिएक्शन, जितना नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ने इस मोटू पे लगाया है उतना ही ये मोटू सरफेस पे लगाएगा, अब क्योंकि ये मोटू इस पे खड़ा है तो जो एक्चुअल इसका वेट है वो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होता है, तो वेइंग मशीन वेट की जगह क्या मेजर करती है, वेट की जगह मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन, क्या मेजर करती है भाई, नॉर्मल रिएक्शन, जो आप वेइंग मशीन को जिस फोर्स से दबा रहे हो, आप अपने वेट से नहीं दबाते, ये नहीं बोलना आप अपने वेट से दबाते हो, वो तो आपके ऊपर फोर्स लग रही है वेट, आप वेइंग मशीन पे कौन सी फोर्स लगा रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन, उससे आप उसको दबा रहे हो, ठीक है, वही आता है वेट के फॉर्म में। हाँ ये बात अलग है, अभी ये बंदा रुका हुआ है तो बंदे के ऊपर जितनी फोर्स है, जरा बनाओ नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ सरफेस ने लगाया नॉर्मल रिएक्शन, तो n किसके इक्वल है mg के इक्वल, तो बिल्कुल सही बात है, वेट किसके इक्वल आ जाएगा mg के ऊपर, पर ये तभी होगा जब ये रुका हुआ है, वेट mg के बराबर मत समझना, वेइंग मशीन जो वेट मेजर करती है वो mg नहीं होता, वेइंग मशीन जो होती है वो मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन, क्या कह रहे हो सर, थोड़ा समझाओ और डिटेल में समझाओ, अभी मैंने समझाया वेइंग मशीन मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन जो कि रुकी हुई स्थिति में एमजी के बराबर, और देखते हैं, मान लो ये वेइंग मशीन है,
मोटे को इसमें फिर बैठा दिया मैंने, ये मोटा फिर आ गया ढेर, मोचूराम, ठीक है मोचूराम इसमें फिर आ गया। अब मान लो ये वेइंग मशीन ऊपर की तरफ जा रही है एस्केलेशन ए से, पूरी की पूरी मशीन ऊपर की तरफ बढ़ रही ए एस्केलेशन से, अब क्या होगा? और इसका एफबीडी बनाते हैं मोटू का, नीचे की तरफ फोर्स लगेगी एमजी, सरफेस इसके ऊपर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, तो यार मोटू की एफबीडी बनाऊं तो मोटू के ऊपर नीचे की तरफ लग रही एमजी, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन और एस्केलेशन ए, इक्वेशन लिख सकते हैं इसकी, बिल्कुल लिख सकते हैं, जा किधर रहा है ऊपर, तो ऊपर की फोर्स पॉजिटिव नीचे की फोर्स नेगेटिव, तो एन माइनस एमजी इज इक्वल्स टू एम ए, कहां से मैं आ रहा हूं ये सब पे, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितनी होगी एन माइनस एमजी, एस्केलेशन ऊपर है एम ए, यहां से देखो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आई एमजी प्लस एम ए, ओए होए मोटे को अपना वेट और ज्यादा दिखेगा, एक तो एमजी दिख रहा था साथ में एक एम ए, तो जिस टाइम हम किसी लिफ्ट में बैठे होते हैं और लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, किधर जाती है लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, तो हमें हमारा वेट बढ़ता हुआ फील होता है, अगर आप लिफ्ट में बैठे हो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपको आपका वेट बढ़ता हुआ फील होगा, ठीक है, इस टाइम मोटे को अपना वेट और दिखेगा, है ना, तो मान लो तुम में से कोई है पतला है ना, मम्मी मम्मी कहती है बहुत पतले हो तो लिफ्ट में बैठ जाओ, कहते मम्मी लिफ्ट को चला दो ऊपर मेरा वेट बढ़ जाएगा, चलो बहुत ही खराब जोक था मैं समझ गया, आगे बढ़ते हैं अपन, मान लो इसी लिफ्ट को मैं नीचे की तरफ ले आऊं, ला सकते हैं बिल्कुल ला सकते हैं, इसी लिफ्ट को भाई साहब हम नीचे की तरफ ला सकते हैं, ठीक है माटा माचू माचू, ठीक है माचू आ गया, और लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही मान लो एस्केलेशन इज, एफबीडी बताओ इसके ऊपर नीचे की तरफ एमजी, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, माचू पे लग रही है फोर्स, माचू पे नीचे की तरफ एमजी और इस सरफेस ने इसके ऊपर की तरफ लगाया नॉर्मल रिएक्शन, और ये भी सरफेस पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन जो कि मेजर होगा, पर वो सरफेस पे फोर्स है उसको नहीं देखना अभी, एस्केलेशन नीचे की तरफ ए, अब नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव तो ये फोर्स पॉजिटिव ये फोर्स नेगेटिव, इक्वेशन बनेगी इस बार mg माइनस n क्योंकि नीचे जा रहे इज इक्वल्स टू ma, बोलो बढ़िया समझ में आ रहा है, यहां से n की वैल्यू आएगी बच्चों mg माइनस ma, मतलब वेट कुछ कम फील होगा, वेट भाई साहब कुछ कम फील, तो जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो हमें अपना वेट कुछ कम फील होता है, इसीलिए आपको वो एक्सपीरियंस होता है जब आप इस तरह के किसी स्विंग वाले झूले में बैठते हो, जब स्विंग नीचे आता है तो आपको एक अजीब सी फीलिंग आती है, वो गुदगुदी वाली फीलिंग है ना, वो क्या है, वो आपको वेटलेसनेस की फीलिंग आ रही है, वेट कम हो रहा है आपका, वेट कम हो रहा है तो आपको अजीब सी एक ग्रेविटी ऊपर की तरफ फील होती है, आपको लगता है यार ग्रेविटी कम हो गई है, अरे आपको फील हो रहा है, देखो ग्रेविटी आपको ग्रेविटी कितनी फील होगी, मास बाहर ले लो जी माइनस ए, आपको मास के साथ जो ग्रेविटी फील हो रही है वो जी माइनस ए की, आपको कम ग्रेविटी फील होती है, इसलिए आप खुश होते हैं, आपको लगता है सब ऊपर आ रहा है ना, ब्लड प्रेशर अपना डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना, ठीक है, तो जो भी हमारे मोटे भाई बहन हैं उन सभी के लिए हम खोलते हैं अपना नया जिम फिजिक्स वाला, जहाँ पे हम आपका वेट चंद मिनट में घटा सकते हैं, हम आपको एक अपने मशीन में बैठाएंगे और आपको एक मानसिक सुख देंगे कि आपका वेट कम हो गया है, ठीक है, तो इसमें बैठा के लिफ्ट में अगर तुम बहुत मोटे हो जैसे मोचू है और तुम ऊपर की तरफ जाओ सॉरी नीचे की तरफ आओ तो तुम्हें अपना वेट कम फील होगा, जब नीचे आओगे तो वेट कम फील होगा, ऊपर जाओगे तो वेट ज्यादा फील होगा, ठीक है क्लियर। अच्छा इसमें एक बड़ी बढ़िया सिचुएशन भी आती है, क्या देखो अब मोचू के साथ अत्याचार होने जा रहा है, ठीक है सॉरी मोचू, चलो मोचू को सब लोग बाय बोल दो, अब मान लो ये लिफ्ट है और ये स्ट्रिंग से बंधी हुई है, ठीक है लिफ्ट स्ट्रिंग से तो बंदी होती है, हवा में कहाँ तैरती है, अभी तक हवा में तैर रहा था मैं, स्ट्रिंग से ही बंदी थी, स्ट्रिंग से ही तो ऊपर नीचे जाती है ना, केबल तो होता ही है ना, हाँ ठीक है केबल से बंदी है, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। अब यहाँ पे तुम आए और तुमने एक कैची लेके एक कचाक से ये तार काट दिया, तुमने केबल कट कर दिया, कचाक तुमने केबल को कट कर दिया, केबल कट करते ही ये लिफ्ट नीचे गिरना स्टार्ट कर देगी, ठीक है ये तो गया, ये तो गया भाई साहब, लिफ्ट नीचे गिरना स्टार्ट कर देगी, किस एस्केलेरेशन से, जी से, भाई लिफ्ट का क्या स्टार्ट हो जाएगा बोलो, फ्री फॉल है ना, विल फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, गिरना स्टार्ट कर देगी। अब बताओ इस टाइम इसको अपना वेट कितना फील हो रहा होगा, और पीडी बनाए, इसका मास एम, नीचे की तरफ फोर्स एम जी, ऊपर की तरफ
नॉर्मल रिएक्शन, एस्केलेरेशन नीचे है, यहां बना लेते हैं, एमपीटी बना ले हैं आपने, नीचे की तरफ बोलो एमजी, ऊपर की तरफ बोलो नॉर्मल रिएक्शन, एस्केलेरेशन नीचे की तरफ कितना है जी, एस्केलेरेशन नीचे है तो ये फोर्स पॉजिटिव, ये फोर्स नेगेटिव, नीचे की तरफ एस्केलेरेशन है तो इक्वेशन एमजी माइनस एन, नेट फोर्स नीचे होनी चाहिए क्योंकि एस्केलेरेशन नीचे है, इज इक्वल्स टू एमए यानी एमजी, एमजी से एमजी कैंसिल, नॉर्मल रिएक्शन जीरो, ओए ओए नॉर्मल रिएक्शन जीरो, ओए ओए मतलब मशीन इसको कितना वेट दिखाएगी जीरो, दिस गाय इज फीलिंग वेटलेसनेस, नॉर्मल रिएक्शन कितना आया जीरो, खुश हो गया ये, मैं बिल्कुल भी मोटा नहीं, मेरा वेट जीरो, पर ये तो गया केबल कट गया, गिर रहा है तेजी से, नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेटलेसनेस की कंडीशन, अगर लिफ्ट का केबल कभी कट जाए नीचे आए तो वेटलेसनेस हो जाएगी, ऐसा आपको स्विंग्स में फील होता है, जैसे एक स्विंग होती है आपने देखी होंगी कई जगह हैं, दिल्ली वाली में भी है, मुंबई में भी, कि एक होता है ग्रेविटी फॉल, ऐसे करके गोला बना होता है, देखा होगा शायद यार, झूला होता है ऐसा, है ना, और ये तेजी से नीचे आता है, एक ऊपर जाता है ऐसे 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 सडनली छोड़ के नीचे आता है, तो जब वो नीचे आता है वो फ्री फॉल होता है, तो जब फ्री फॉल होता है आपकी सीट जिस पे आप बैठे हो वो आपको जीरो नॉर्मल रिएक्शन देती है, तो आपको वेटलेसनेस फील होती है, वो जो फीलिंग एंग्जाइटी की जो फीलिंग होती है एक्साइटमेंट, वो वेटलेसनेस है, तेजी से नीचे गिरना। तो यार ये था कि जो वेइंग मशीन का कंसेप्ट था वो वेट नहीं मेजर करती, वो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है, जो कि वेट से कभी ज्यादा ऊपर जाते वक्त, वेट से कभी कम नीचे जाते वक्त, और फ्री फॉल के अंदर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है। मेरे बहुत ही बहादुर छात्र होते हैं कभी कभी, तो मुझसे बड़ा ही प्यारा सवाल पूछते हैं वो कि सर नॉर्मल रिएक्शन जीरो का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन जीरो का मतलब क्या हुआ। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन जीरो का मतलब है कि कॉन्टैक्ट बस खत्म होने वाला है, कॉन्टैक्ट इज जस्ट अबाउट टू एंड। अब दो सर्फेसेस के बीच का जो कॉन्टैक्ट है ये मौजूद, और सरफेस के बीच का जो कॉन्टैक्ट है ये जस्ट खत्म होने वाला है, उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन जीरो, या बोलो जस्ट स्टार्ट होने वाला है, वो भी मान सकते हैं। तो सवाल जो मेरे स्टूडेंट्स कई बार मुझसे पूछ चुके हैं क्लास में, इस वाले केस में बहुत प्यारा सवाल है, शायद आपके मन में भी आया हो कि इसी पर्टिकुलर केस में यदि मान लो किसी तरह से लिफ्ट का एस्केलेरेशन नीचे की तरफ 2g हो जाए, हो सकता है हम लिफ्ट को तेजी से नीचे ले जाएं, है ना, हम पास मशीन्स हैं, हम लिफ्ट को 2g एस्केलेरेशन से नीचे ले जाएं तो क्या होगा, क्वेश्चन है क्या होगा, और एक वीडियो बनाते हैं, नीचे की तरफ बोलो इसके ऊपर mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और जो एस्केलेरेशन है लिफ्ट का वो जी से बड़ा है, है ना, जो एस्केलेरेशन लिफ्ट का वो जी से बड़ा, ये क्वेश्चन आ गया नीचे की तरफ होगी। तो यार इसका एफबीडी नीचे की तरफ बोलो mg फोर्स, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, एस्केलेरेशन नीचे 2g, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इक्वेशन बनेगी mg माइनस n इज इक्वल्स टू ma, m a कितना है 2g, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg माइनस 2mg एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। यानी अगर कभी आपका नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आता है, लेस देन 0 आता है, तो आप समझ जाओ There is no contact. Normal reaction हमारी एक contact force है यार। अगर negative आ रहा है मतलब अब contact नहीं, zero मतलब contact खत्म होने वाला था, negative मतलब आपसे इस question पूछता है कि normal reaction की value क्या है, तो ये मत निकला minus mg, आप लिखना normal reaction कितना हो गया zero, normal reaction can never be negative, no it cannot be, negative का मतलब है contact टूट गया, तो होगा क्या, ये भाई साहब का contact टूटेगा और ये उड़ते हुए जाके lift की छत से टकरा जाएंगे, ये उड़ते हुए जाके लिफ्ट की छत से टकरा जाएंगे। अब यहां पे भी एक अच्छी फिजिक्स है, ये ऊपर जाके नहीं टकरा रहे, लिफ्ट नीचे आके इनसे टकरा रही, सोचो ये तो उड़ गए, ये नीचे किससे गिरेंगे जी से, और लिफ्ट नीचे किस स्पीड से आएगी 2g से, तो ये नीचे कम गिर रहे, लिफ्ट नीचे ज्यादा आ रही, तो लिफ्ट आके इनके सर से टकरा जाएगी और इनका है ना राम राम सत्य हो जाएगा। तो ये थी हमारी लिफ्ट के सारे केसेस जो कि न्यूटन थर्ड लॉ में ही एक्सप्लेन की जा सकती है, इसको सीडो फोर्स से भी कई लोग एक्सप्लेन करते हैं, जीरो फोर्स पढ़ाएंगे तो बता देंगे इसको यार, छोटा सा केस है। अच्छा, जैसे ऐसे थर्ड लॉ पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमारा एचसी वर्मा में दिया हुआ है, आपने देखा होगा कि यहां मान लो एक लिफ्ट जैसा कुछ है, इसके अंदर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, और इस बंदे ने रोप पकड़ रखी है जो कि रोप पुली से होके वापस लिफ्ट पे बंधी हुई है, ठीक है, और ये बंदा रोप को नीचे खींच रहा, और ऐसा खींच रहा कि ये हमारी जो लिफ्ट है
ये अपनी जगह पे रुकी हुई है ना. सो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन लिफ्ट बाय मैन व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट. ठीक है, तो ये बंदा कुछ ऐसी फोर्स से स्ट्रिंग को खींच रहा कि ये लिफ्ट को रेस्ट पे रख सकता है, यानी पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे रख सकता है. इसको हम लिख देते हैं सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे. चलिए इसको आप ट्राई करना चाहेंगे, इसमें हम मास वगैरह आपको दे देते हैं सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे. तो हमसे बोल दिया मान लो इस बंदे का मास हम मान लेते हैं, जैसे ऐसा ही एक क्वेश्चन एचसी वर्मा में दिया है जो कि थर्ड लॉ पे कुछ कुछ हद तक बेस है. मान लो ये एक लिफ्ट है और इसके अंदर एक बंदा है. ठीक है, इस बंदे का मास हमको दे रखा है मान लो 60 kg, और ये लिफ्ट है और लिफ्ट का मास भी हमको दे रखा है 30 kg. ठीक है, और यहाँ एक पुली है, पुली से यहाँ स्ट्रिंग से लिफ्ट बंधी हुई है, और इस तरफ से स्ट्रिंग को ये बंदा अपने हाथ से पकड़ा हुआ है. ठीक है, और ये बंदा स्ट्रिंग को खींच रहा है. ठीक है, इस स्ट्रिंग को ये खींच रहा है और ऐसी फोर्स से खींच रहा है कि पुली हमारी इक्विलिब्रियम में है, यानी ये जो हमारी लिफ्ट है सॉरी ये इक्विलिब्रियम में, मतलब लिफ्ट ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही है. इस तरह की फोर्स से खींच रहा है कि लिफ्ट ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही. तो हमसे पूछा है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन लिफ्ट बाय मैन, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं भाई मैन लिफ्ट पे कौन सी फोर्स लगाएगा. नॉर्मल रिएक्शन, यानी लिफ्ट में अगर कोई वेइंग मशीन हो तो ये उसका वेट भी होगा. तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था, फाइंड द वेट ऑफ मैन, ठीक है, एज शोन बाय वेइंग मशीन. वेइंग मशीन क्या शो करता है आपको बताया मैंने, नॉर्मल रिएक्शन. तो ये बंदा लिफ्ट पे कौन सी फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, वही इसका वेट होगा. किस कंडीशन में, जब पूरी लिफ्ट किस में है, इक्विलिब्रियम में है. ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लिफ्ट किस में है, इक्विलिब्रियम में है. इसका एक्चुअल मास कितना है 60 kg, पर इस टाइम ये नॉर्मल रिएक्शन कितना लगा रहा है वही इसका वेट होगा. तो ये हमें पता करना है, और गिवन है कि ये हमारी लिफ्ट इक्विलिब्रियम में है. तो इसमें हमें एफबीडी बनानी पड़ेगी और कुछ नहीं. जैसे मैन की एफबीडी यहां बना लेते हैं, यहां बंदे के मास को कैपिटल एम बोलते हैं, मैन की एफबीडी यहां बनाते हैं, नीचे की तरफ बोलो एमजी 60 g, ये इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा सरफेस, तो ये बन गया नॉर्मल रिएक्शन. किसने लगाया, लिफ्ट ने लगाया मैन के ऊपर. दूसरी चीज, मैन इस स्ट्रिंग को किधर खींचेगा, नीचे, पर ये फोर्स किस पे है, स्ट्रिंग पे. ये फोर्स किस पे है, स्ट्रिंग पे. स्ट्रिंग मैन को किधर खींचेगी, ऊपर. स्ट्रिंग मैन को किधर खींचेगी, ऊपर, टेंशन टी से. मान लो मैन ने नीचे स्ट्रिंग को खींचा फोर्स एफ से, मैन ने स्ट्रिंग को नीचे खींचा फोर्स एफ से, तो स्ट्रिंग इसे ऊपर खींचेगी टेंशन टी से, वेयर टी विल बी इक्वल टू एफ. जितनी फोर्स से खींचोगे उतनी फोर्स से स्ट्रिंग ऊपर खींच लेगी. ये जो एफ फोर्स है ये मैन लगा रहा स्ट्रिंग पे, और ये जो टी फोर्स है ये स्ट्रिंग लगा रही मैन पे. तो ये एफबीडी में आएगी टी. मैन के ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगा रहा, एक स्ट्रिंग इसे ऊपर खींच रही टेंशन टी से, और एक इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा. और लिफ्ट की एफबीडी बनाए, ये लिफ्ट की एफबीडी, लिफ्ट के लिए नीचे की तरफ इसका वेट, मास कितना है 30, तो वेट हो जाएगा 30 g. दूसरा और क्या लगेगा, मैन इसके ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन. बंदा इसके ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन. ये बंदा इसके ऊपर खड़ा है, नीचे की तरफ क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन. और बच्चों इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन टी आया तो यहां पे भी टेंशन कितना होगा, टी, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी मासलेस होती है. यहां पे टी तो यहां पे भी टी. ये वाला टी किस पे एक्ट कर रहा, लिफ्ट पे एक्ट कर रहा. देखो ये वाला टी लिफ्ट पे एक्ट कर रहा. अब हमसे बोला लिफ्ट इक्विलिब्रियम पे है तो मैन भी इक्विलिब्रियम पे होगा. मैन तो स्ट्रिंग को पकड़ के खड़ा है, तो मैन भी इक्विलिब्रियम पे है और लिफ्ट भी, मतलब यहां पे भी नेट फोर्स जीरो, वहां पे भी नेट फोर्स जीरो. यहां इक्वेशन क्या बनेगी बोलो, टी प्लस एन इज इक्वल टू 60 g, जितनी फोर्स ऊपर उतनी फोर्स नीचे. यहां इक्वेशन क्या बनेगी, टी इज इक्वल टू एन प्लस 30 g, जितनी फोर्स ऊपर उतनी फोर्स नीचे. इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, इसको आप लिख सकते हो टी माइनस एन इज इक्वल टू 30 g,
और वहां से क्या है t plus n is equals to 60g, t plus n is equals to 60g, t minus n is equals to 30g, दोनों को ऐड कर देते हैं हम, n से n कट गया, 2t is equals to 90g, यहां से t की वैल्यू आ गई 45g, अब t की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, n की वैल्यू मिल जाएगी 45 minus, या यहां से 45 plus n is equals to 60, तो 45 plus क्या 15, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है 15g, है ना, कितना है 15g, इसका एक्चुअल वेट था कितना 60kg, दिखाना क्या चाहिए था 60g, पर दिखा क्या रहा है 15g, क्यों, क्योंकि इसने कुछ फोर्स लगा के अपने आप को ऊपर खिंचवा लिया, किसकी हेल्प से, स्ट्रिंग की हेल्प से। क्या एक क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है, नहीं हुआ है तो इसको रिपीट करके जरूर देखें, रिपीट करके देखें ना, नहीं समझ में आया तो। अब यार ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना, इस पे बहुत न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पे ही सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल है, थर्ड लॉ से जुड़ता हुआ एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है थर्ड लॉ का। वैसे मैं आपको बता दूं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें इसके सारे न्यूमेरिकल होंगे, बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंटर ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम साथ में पढ़ाया जाता है, पर अभी क्योंकि टॉपिक के अंदर है तो इसकी हम आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दें, क्योंकि एनसीईआरटी में भी यहां पे ये टॉपिक डिस्कस किया है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है बच्चों, न्यूटन्स का सेकंड लॉ आपको याद है, न्यूटन्स सेकंड लॉ सबको याद है, क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ बच्चों, F net is equals to delta P बटे delta T, ये बोलता है हमसे, ठीक है। मान लो बच्चों इस पूरे एग्जाम्पल के लिए या किसी एक सिस्टम के लिए, किसी एक सिस्टम के लिए मान लो बच्चों नेट फोर्स जीरो हो जाए, नेट फोर्स जीरो, और आपको पता है कौन सी फोर्स कंसिडर करते हैं हम, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स से मतलब नहीं, इक्वेशन को सिस्टम पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स से मतलब है। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो बच्चों डेल्टा पी की वैल्यू आएगी जीरो, मतलब जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा जीरो, किसका, सिस्टम का, किसी एक बॉडी का नहीं, किसी एक ऑब्जेक्ट का नहीं, किसी बॉल का नहीं, पूरे सिस्टम का चेंज इन मोमेंटम जीरो। बच्चों चेंज इन मोमेंटम जीरो है मतलब मोमेंटम कॉन्स्टेंट है, जो मोमेंटम था वही रहेगा, शुरू में मोमेंटम मान लो 10 था तो बाद में भी 10, शुरू में 0 था तो बाद में भी 0, शुरू में -2 था तो बाद में भी -2, इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर कोई सिस्टम जो वर्ड यूज किया जाता है, अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड हो, कैसा हो, आइसोलेटेड, अब फिजिक्स में आइसोलेटेड का मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगे, यानी उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, आइसोलेटेड का मतलब उसके ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितनी हो, जीरो हो, तो उस सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, या इसी को आप बोल सकते हो कंजर्व्ड रहेगा, कंजर्व जितना था उतना ही रहेगा। हो सकता है सिस्टम आपस में मोमेंटम का लेन देन कर ले, पर सिस्टम से बाहर कोई मोमेंटम नहीं जाएगा, सिस्टम के अंदर कोई मोमेंटम नहीं आएगा। तो ये क्या बात कर रहे हैं, कमरे से बाहर कोई नहीं जाएगा, अंदर कोई नहीं आएगा। इसको समझते हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए कि सेकंड लॉ से हमने ये चीज इन्फर की, थर्ड लॉ का भी यूज करेंगे, कि नेट फोर्स अगर किसी सिस्टम पे जीरो है तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। यही तो सेकंड लॉ बोलता है कि मोमेंटम का चेंज तभी होगा जब कोई फोर्स आएगी। तो अगर पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। आइए दिखाते हैं इसमें सेकंड लॉ थर्ड लॉ कैसे इन्वॉल्व है, पहले तो एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाते हैं बात क्या हो रही है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो यहां पे हमारे पास एक गन है, ठीक है, यहां हमारे पास एक गन है, ठीक है, अच्छा, और गन से बाहर निकलने वाली है एक बुलेट। अगर मैं गन और बुलेट को, गन प्लस बुलेट को अगर मैं सिस्टम बोल दूं कि ये गन और बुलेट दोनों मिला के एक सिस्टम है, तो जब बंदूक से गोली चलाते हैं तो उस टाइम नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी होती है बच्चों, जीरो, बाहर से कोई फोर्स लगाते ही नहीं, बंदूक फोर्स लगाती है बुलेट पे, और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बुलेट फोर्स लगाएगी गन पे, जैसे गन ने बुलेट पे फोर्स लगाई, फोर्स ऑन बुलेट
ड्यू टू गन, बुलेट आगे गई, बुलेट ने फोर्स लगाई गन पे, फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट, और गन गई पीछे की तरफ। पर ओवरऑल अगर हम देखें कि नेट फोर्स कितनी हुई, तो बच्चों नेट फोर्स जीरो होगी बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ। ये फोर्सेस क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर, इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। अगर मैं जोड़ूं तो मेरे पास दो फोर्स हैं, एक फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन प्लस फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट, और इन दोनों फोर्स का सम कितना आना चाहिए, जीरो, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक 10 न्यूटन होगी तो एक माइनस 10 न्यूटन होगी, इक्वल एंड अपोजिट। तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जब सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती और सिस्टम अंदर कोई फोर्स अगर लगाता है तो वो फोर्स पेयर में आती है। जैसे इन दोनों को अगर मैं मिलाकर सिस्टम बोल दूं, दोनों को मिला के मैंने क्या बोला, सिस्टम, तो मैं ये नहीं कह रहा फोर्स नहीं है। बच्चों हम ये नहीं कह रहे फोर्स नहीं, फोर्स है, अंदर फोर्स है, गन ने बुलेट पे लगाई, बुलेट ने गन पे, पर सिस्टम पे एक्सटर्नल नेट फोर्स कितनी हुई, जीरो, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस हमेशा कैंसिल हो जाती हैं बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब बच्चों अगर ऐसा हुआ नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हुई तो आप बोलोगे मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, ये भी हमने आपको सिखा दिया कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम जो इनिशियल रहा होगा वही मोमेंटम फाइनल बनेगा, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। बच्चों इनिशियली इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना है, जीरो, जरूरी नहीं हमेशा जीरो हो, सिर्फ इस एग्जांपल में कितना है, जीरो, क्योंकि बुलेट भी रेस्ट पे है और गन भी रेस्ट पे है, दोनों ही रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम है जीरो। पर जब गोली चल चुकी है तब बुलेट आगे चलेगी, बुलेट का डेफिनेटली कुछ ना कुछ मास होगा और बुलेट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और गन पीछे जाएगी, गन का भी कुछ ना कुछ मास होगा और गन की भी कुछ पीछे की तरफ वेलोसिटी होगी। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ गन प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट का वेक्टर सम अगर करें तो वो कितना आना चाहिए, जीरो। बेटर होगा आप ये चीज समझो, जितना इनिशियल मोमेंटम उतना फाइनल मोमेंटम, हमेशा मत लगाना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मेरी बात सुनो, हमेशा नहीं, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो सिस्टम पे, तो जितना मोमेंटम से बुलेट आगे जाएगी उतना मोमेंटम से गन पीछे की तरफ जाएगा। अच्छा दोनों में से ज्यादा तेज कौन चलेगा, बुलेट, मास छोटा है भाई, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है इसका मास ज्यादा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और किधर होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी दे सकता है आपको, बोल देगा बुलेट की स्पीड इतनी है, गन की मास इतना है, बुलेट का मास इतना है, तो ये बताओ गन कितनी स्पीड से पीछे जाएगी। गन बच्चों जिस स्पीड से पीछे जाती है इसका एक टर्म भी होता है, रिकॉइल स्पीड, क्या नाम देते हैं, ये नाम देते हैं रिकॉइल स्पीड। तो आपको डेटा वेटा थोड़ा बहुत दे देगा, बोलेगा गन की रिकॉइल स्पीड बताओ। इसी को हम आगे बढ़ा के बच्चों ये बोल सकते हैं, मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट, ठीक है, दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे क्योंकि शुरुआत में मोमेंटम जीरो है, मेरी बात ध्यान से सुनो यार, शुरुआत मोमेंटम जीरो, इसलिए ऐसा हुआ, हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं, ये एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है इसलिए डिस्कस किया, पर हर एग्जांपल में इधर जीरो लिखा हो ये जरूरी नहीं है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं बल्कि पे खटाक से, आपको कंसेप्ट बहुत क्लियर करता हूं मैं, अब बातें नहीं करते हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमसे बोल देता है मान लो कि गन का जो मास है वो हमको मान लो दे दिया कि गन का मास, ये क्या हुआ छिछी, मान लो गन का मास हमको दे देता है वो सपोजिटली 5 kg और बुलेट का मास मान लो हमको दे देता है 0.2 kg, हमको बोलता है बुलेट की स्पीड है 200 meter per second, और हमसे पूछा गन की रिकॉइल स्पीड क्या है, गन की रिकॉइल स्पीड क्या, तो आप बोलना इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जीरो है, फाइनली बुलेट का मोमेंटम आगे की तरफ तो mv, गन का मोमेंटम पीछे की तरफ तो माइनस mu, इस तरह से लिखना ज्यादा अच्छा कंसेप्ट है। ये मत लिखना कि गन का बुलेट का बराबर, कंसेप्ट ये है कि जितना टोटल इनिशियल मोमेंटम उतना टोटल फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम पूरा सिस्टम किस पे है, रेस्ट पे, जीरो, फाइनली बुलेट आगे गई हमने लिखा mv प्लस में, गन पीछे ली गई हमने लिखा माइनस mu, तो जीरो इज इक्वल्स टू m की वैल्यू रख दो कितनी है 0.2, v कितना है 200, माइनस m की वैल्यू 5 और u की वैल्यू नहीं पता। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे गन की रिकॉइल स्पीड आ जाएगी। अब लगे हाथ में आपको एक क्वेश्चन और करा दूं जिससे आपका कंसेप्ट ना खराब हो, आप गलत चीज दिमाग में लेके मत जाओ,
ऑल्दो इसका पूरा एक वीडियो बनना है अभी आगे सेंटर ऑफ मास के टॉपिक के ऊपर, बट आप एक गलत कंसेप्ट मत ले जाओ, इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ। मान लो यहाँ पे एक बॉल है, इसका मास है 1 kg और इसकी स्पीड है मान लो 2 m/s। यहाँ मान लो दूसरी बॉल है और इसका मास है 2 kg और इसकी स्पीड है मान लो 1 m/s। तो ये बॉल इसको पीछा कर रही है, आके इसको मारेगी, मारने के बाद दोनों बॉल फिर से आगे बढ़ी, मान लो ये 1 kg वाली, ये 2 kg वाली, ठीक है। मारने के बाद दोनों फिर से आगे बढ़ी, मान लो इसकी स्पीड अप हो गई है 1 m/s, तो हमसे पूछा कि इसकी स्पीड क्या होगी। अब समझे सवाल, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, ये धीमे धीमे चल रही है 1 m/s से, पीछे से हमने दूसरी बॉल को फेंका कितनी स्पीड से, 2 m/s। ये बॉल गई, इससे टकराई, इस टकराने वाले प्रोसेस का नाम है कोलिशन, इनके बीच में एक कोलिशन हुआ। इसके बाद 1 kg वाली की स्पीड, लड़ने के बाद दोनों की स्पीड कुछ चेंज हो जाएगी, आके टकरा है, स्पीड चेंज हुई, 1 kg की स्पीड हो गई 1 m/s और 2 kg की स्पीड हमें नहीं पता और यही हमसे पूछी है कि क्या होगी। तो आप पहले बताओ, क्या इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी है, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी है? ये बॉल आके इसको मारेगी, पलट कर ये बॉल इसको मारेगी, तो ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। इस पूरे को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं, भाई साहब अब समझ गए होंगे क्या बोल रहा हूं, इस पूरे को अगर क्या मान लूं, एक सिस्टम, तो इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, जीरो, बाहर से कोई फोर्स लगी ही नहीं इस पे। इसने जाके इसको मारा, जैसे मान लो इसको बोलूं ए, इसको बोलूं बी, तो ए ने फोर्स लगाई बी पे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और बी ने फोर्स लगाई ए पे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इक्वल एंड अपोजिट, नेट फोर्स कितनी हुई, जीरो। मतलब हम बोल सकते हैं मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, जीरो मत बोलो, कंजर्व। फिर से देखो न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, नेट फोर्स, नेट फोर्स कितनी है, जीरो, यहां रखा मैंने जीरो, डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आई, जीरो, चेंज इन मोमेंटम जीरो। कई बच्चे कहते हैं मोमेंटम शुरुआत में जीरो, ऐसा नहीं है भाई, चेंज इन मोमेंटम जीरो मतलब जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम होगा। अब गन वाले केस में इनिशियल मोमेंटम जीरो था, हमेशा जीरो थोड़ी ना होगा, चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, जो शुरुआत का मोमेंटम वही अंत का मोमेंटम, बस इसको यूज करो। आप यहां पे लिखो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियली किसका मोमेंटम बताओ, 1 × 2, मोमेंटम का फॉर्मूला तो पता है, मास इंटू वेलोसिटी, 1 × 2 प्लस, बोलो सही है, एम इंटू इसकी वेलोसिटी, प्लस इसका मोमेंटम भी शुरू में कुछ है 2 × 1, 2 इज इक्वल टू, बाद का मोमेंटम बताओ, इसका मोमेंटम 1 × 1 ओबी प्लस, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसका मोमेंटम बताओ 2 × इसकी वेलोसिटी को मैंने मान लिया वी, इसका मोमेंटम 2v। क्या मेरी आप मेरी बात आपको समझ में आई? मैंने कहा जितना शुरुआत में पूरे सिस्टम का मोमेंटम, उतना बाद में पूरे सिस्टम का मोमेंटम, एक एक को नहीं लिया सिस्टम, इसका मोमेंटम 1 × 2, इसका मोमेंटम 2 × 1, दोनों पॉजिटिव में शुरुआत का मोमेंटम, बाद में इसका मोमेंटम 1 × 1, इसका मोमेंटम नहीं पता 2 × v, इक्वेट कर दिया, ये कितना हो गया 4 = 2v + 1। यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 2v = 4 − 1, 3, v = 3/2 या 1.5 m/s, एंड दैट इज द आंसर। आपको इसकी स्पीड मिल गई कितनी है, 1.5 m/s। वैसे तो कोलिजन दो तरीके होते हैं, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, और बहुत सी कैटेगरी होती है अंदर, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, यानी जितना शुरू में मोमेंटम उतना बाद में। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि जरूरी नहीं मोमेंटम शुरुआत में जीरो बाद में जीरो, बस जो शुरुआत का मोमेंटम है वही बाद का मोमेंटम रहेगा, और ये बात हमेशा ट्रू नहीं होगी, सिर्फ तब ट्रू होगी जब नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो हो, सिर्फ तब ट्रू होगी। तो इसके बहुत से एग्जाम्पल है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैं दिखाता जाऊंगा तो एग्जाम्पल्स खत्म ही नहीं होंगे, इसके एग्जाम्पल्स का कोई एंड ही नहीं है, देयर इज नो एंड। मान लो यहां पे एक बॉम्ब रखा है, क्या रखा है, एक बॉम्ब रखा हुआ है, ठीक है, ये बॉम्ब सडनली ब्लास्ट कर गया, अभी तो सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं, ये बॉम्ब सडनली ब्लास्ट कर गया दो टुकड़ों में, है ना, और दो टुकड़ों का मास का रेशियो था 1:2, ये वाला मास थोड़ा बड़ा था, ये वाला पार्ट 1:2, ये वाला टुकड़ा इधर भागा विद अ स्पीड ऑफ 5 m/s,
तो हमसे पूछा ये टुकड़ा किस स्पीड से गर्मागेगा। अब क्योंकि ये रखे रखे ब्लास्ट किया है तो इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, जीरो। इस पार्ट ने इसको इधर फेंका, इसने इसको इधर फेंका, एक्शन एंड रिएक्शन एक दूसरे से कैंसिल। अच्छा भाई, हम मतलब बोल सकते हैं जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम है किसका, सिस्टम का। शुरू में पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, इनिशियल मोमेंटम जीरो, बाद में दो मास हो गए, इसको मैं m बोल सकता हूं, इसको 2m बोल सकता हूं। 2m इधर गया 5 मीटर पर सेकंड से, तो मोमेंटम कितना बना 2m into 5, किधर गया पॉजिटिव में, तो मैंने लिखा प्लस। बाद में मोमेंटम जनरेट हुआ, शुरू में तो मोमेंटम कितना सिस्टम का जीरो, बाद में इसने इस तरफ मोमेंटम बनाया, इसने अपोजिट डायरेक्शन। इसके मोमेंटम को क्या लिख सकता हूं, m into 1, किधर पीछे, सॉरी m into v, स्पीड नहीं पता ना इसकी, इसकी स्पीड ही तो निकालनी है कि ये किस स्पीड से इधर गया। सो m into v किधर, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस m v। अब यहां पे शुरू का मोमेंटम जीरो था तो उसका फायदा मिलेगा, इसको इधर ले आए, m v is equals to 10m, m से m मर गया, v की वैल्यू कितनी आई 10, तो ये किस स्पीड से इधर जाएगा 10 से। देखो 10 into m कितना हुआ 10m, 2m into 5 इधर भी कितना हुआ 10m, जितना मोमेंटम इधर बना उतना इधर बना, लास्ट का मोमेंटम भी जीरो क्योंकि शुरुआत का मोमेंटम इस बार जीरो था। तो मेरे ख्याल से इतने ढेर सारे एग्जांपल से आपको बात क्लियर हुई होगी कि ये जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है दो लॉ को मिला के आया, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ।